हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रू नेचर गार्डन। आज हम लगाने वाले हैं लीची का पेड़। ये बाज़ार से हम लीची लेके आए थे और इसे हमने खाने के बाद इसके बीजों को धूप में सुखाया था। तकरीबन 5 से 6 दिन मैंने इसे धूप में सुखा के रखा था। आज हम इसका पौधा लगाने वाले हैं। तो हम इसका पौधा किस प्रकार लगाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनमें से सबसे हेल्दी बीजों को, जो मुझे अच्छे लगे लगाने लायक, उन बीजों को मैंने छांट के धूप में सुखा के रखा था। और अब मैं इसे पानी में भिगो के रखूँगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मैं इसे पानी में भिगो के रखूँगी। तो चलिए पहले हम इसे पानी में भिगो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं धूप में बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। अब इन्हें हम पानी में भिगो के रखेंगे। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम इन बीजों को इस पानी में डुबो के 4 से 5 घंटे तक रख देंगे। बीजों को मैंने पानी में डुबो दिया है। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम इन पौधों को लगाने के लिए कोई जगह बनाते हैं। तो मैंने 1 लीटर का पेंट का डब्बा लिया है, डिस्टेंपर का, आप देख सकते हैं। ये 1 लीटर का डिस्टेंपर का डब्बा, ये कहीं से भी डैमेज नहीं है। तो इसमें हम तकरीबन 2 पेड़ आराम से लगा सकते हैं। तो पहले हम इसमें नीचे की साइड छेन बनाएंगे हवा के आने जाने के लिए, ताकि हमारे पौधों को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम इनमें छेद बना लेते हैं। तो मैंने डब्बे में छेद बना लिया है। मैंने गरम कील की मदद से इसमें छेद बनाया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 10 से 12 छेद बनाए हैं, ताकि हमारे पौधे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहे। अब हम इसमें मट्टी फिलिप करेंगे। तो मट्टी फिल करने के लिए मैंने एक अच्छे से मट्टी ली है और हमने लिया ऑर्गेनिक खाद, ये गोबर की खाद है। अब मिट्टी और गोबर की खाद को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोबर की खाद आपके आसपास जहाँ खटाल वगैरह रहता है वहाँ आपको गोबर की खाद मिल सकती है। इसके अलावा आप नर्सरी से भी जाकर गोबर की खाद ला सकते हैं। तो मिट्टी और गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर मिट्टी में किसी प्रकार का पत्थर या प्लास्टिक वगैरह तो उसे छाट के अलग कर दें, क्योंकि वो हमारे पेड़ की ग्रोथ को रोक देता है। इसके बाद हम डब्बे में मिट्टी भरेंगे। तो सबसे पहले हम मोटी मिट्टी इसमें डब्बे में भरेंगे। अच्छे से मिट्टी को डब्बे में बैठाते हुए मिट्टी को भरना है, ताकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमारा पानी नीचे से निकल ना जाए। तो इस प्रकार से दबाते हुए मिट्टी को हम अच्छे से डब्बे में भर लेंगे। 1/3 डब्बे को भरने के बाद हमें 1/3 डब्बे को मिट्टी से भरना है। हमने 3% लिया है मिट्टी और 1% गोबर की खाद ली है। अगर आप 50-50 भी दोनों को लेते हैं तो भी हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने लगभग 1/3 मिट्टी भर लिया डब्बे में। अब हमें 4 से 5 घंटे हो चुके हैं लीची के बीजों को भिगोए हुए। तो इसमें से हम पानी में से लीची के बीजों को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पानी को सोखा है इन्होंने। अब इसमें से सबसे हेल्दी बीजों को हम चूज़ करेंगे। तो हम चूज़ करेंगे जिसके मुँह जो है वो काले ना हो। तो उस प्रकार से हमें बीजों को चूज़ करना है। तो मैंने इन दोनों बीजों को लिया है, क्योंकि इसके मुँह मिट्टी कलर के दिख रहे हैं और ये सड़े हुए नहीं है, ये हेल्दी बीज है। इन दोनों को हम लगाएंगे। अब हम 1/3 और मिट्टी इसमें भरेंगे। तो लगभग 1 इंची मिट्टी हमने और ऊपर से भर दी है, ताकि जो हमारे बीज है वो ढक जाए मिट्टी से और उसमें अंकुर जल्दी से फूटे। तो मिट्टी को अच्छे से भर दिया हमने। हमने 2 से 2.5 इंची डब्बा खाली रखा है, ताकि उसमें पानी डालें तो वो पानी को अच्छे से सोख कर सके। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो अच्छे से पानी को डब्बे से भर देना है। हमने पानी को डब्बे में अच्छे से भर दिया है, ताकि हमारे नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए और हमारे बीजों में जंगुल जल्दी अंकुर फूटे। तो इस तरह से फूटने के बाद, इस तरह से पानी भरने के बाद हम इसे हल्की सनलाइट में रखेंगे, इसे जहाँ हल्की सूरज की किरणें इस पर लगती रहे, जिससे हमारा अंकुर जल्दी फूटेगा। तो हमने हल्की सनलाइट में डब्बे को रखा है। इसे तेज़ धूप में नहीं रखना है, इससे हमारे मिट्टी जल्दी सूख जाएगी और हमारे बीजों में से अंकुर फूटने में बहुत समय लग जाएगा। तो हल्की धूप में इसे हम रखेंगे जहाँ हल्की सनलाइट लगती रहे।
इसमें हमें कुछ दिनों बाद बाद पानी डालते रहना है, लगभग 2 दिन के अंतराल में। जितना हमारा मिट्टी गीला रहेगा उतनी ही जल्दी हमारे लीची के बीजों में से अंकुर फूटेंगे। और इसे हल्की सनलाइट में रखनी है, तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर हम इसे तेज़ धूप में रखते हैं तो हमारी मिट्टी जल्दी सूख जाती है और उसमें से अंकुर जल्दी नहीं फूटते। तो इसी प्रकार हमें हल्की सनलाइट में लीची के बीजों को रखना है और 1 से 2 दिन के अंतराल में इसमें पानी डालते रहना है। अब लगभग 7 दिन हो चुके हैं और हमारे अंकुर जो हैं वो लीची के बीजों से फूट के बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हरे कलर के जो डॉट दिख रहे हैं मिट्टी से, वो लीची के अंकुर हैं जो मिट्टी में से बाहर आ रहे हैं। हम हर एक दिन छोड़ छोड़ के इसमें पानी डाल रहे थे और हमारी मिट्टी गीली थी, इसलिए काफ़ी जल्दी लीची के बीजों में से अंकुर बाहर आ गए हैं। अरे काफ़ी हेल्दी हैं, इसमें से 2 अंकुर बाहर आ रहे हैं। तो हम इसमें से थोड़ी सी गोबर की खाद और ऊपर से डाल देंगे ताकि जो हमारे अंकुर हैं वो जल्दी ग्रो करके पौधे बन जाएं। और 1 से 2 दिन के अंतराल में इसमें पानी डालते रहना है। जितनी हमारी मिट्टी गीली रहेगी उतनी ही आसानी से हमारे पौधे ग्रो करेंगे। इसे पूरी तरीके से सूखने नहीं देना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 दिन हो चुके हैं हमारे लीची के जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें से ऊपर में गोबर की खाद डाली थी। लगभग 2 मुट्ठी गोबर की खाद मैंने इसमें और ऐड किया था, जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अभी हम 15 दिन के अंतराल में हमारे पौधे जो हैं वो लगभग 1.5 से 2 इंची बड़े हो चुके हैं और उनमें से छोटी छोटी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बीज को लगाते हैं और उसमें से 2 अंकुर बाहर आते हैं, उसमें से एक जो सबसे हेल्दी होता है वही अच्छे से ग्रो करता है, बाकी दूसरा वाला सूख जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे जो पौधे हैं उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि हमने डब्बे में काफ़ी सारे छेद बनाए थे जिसके कारण हमारे पौधों को काफ़ी अच्छे से ऑक्सीजन और हवा मिल रही है। लगभग 60 दिन हो चुके हैं हमारे लीची के पौधों को लगाए हुए और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लगभग 5 से 6 इंची लंबे और इसमें काफ़ी 3 से 4 पत्तियाँ आ चुकी हैं। काफ़ी हेल्दी पौधा लग रहा है। अब हम इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप बाज़ार से लाई हुई लीची से भी अपने घर में लीची का पौधा ग्रो कर सकते हैं और अपने बागान या बगीचे में आसानी से लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पौधे को हम 1 से 2 दिन के अंदर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, मिट्टी अभी गीली है, तो हमारा पौधा जो है उसे हम अगर शिफ्ट करते हैं तो हमारा पौधा नहीं सूखेगा धूप और गर्मी के कारण। जब भी आप इसे दूसरी जगह शिफ्ट करें तो लगाने से पहले गड्ढे में ऑर्गेनिक खाद ज़रूर डालें और इसमें कुछ दिनों बाद बाद पानी डालते रहें। हमने अपने पौधे को अपने बागीचे में शिफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी घासें थी, तो घासों को मैंने पहले कोदार की मदद से साफ़ कर लिया है फावड़े की मदद से। इसके बाद मैंने लगभग इसमें 1.5 फीट गड्ढा खोद के उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालने के बाद अपने पौधे को लगाया और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि हमारी मिट्टी गीली रहे। तो इसी प्रकार से आप अपने घर में भी काफ़ी आसानी से लीची का पौधा लगा सकते हैं।